Hey guys, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आपको ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की, जो कि आप ये काइन मास्टर यूज़ करोगे तो वीडियो बन पाएगा। अगर आप ओल्ड वर्जन का काइन मास्टर यूज़ करोगे तो आप इस प्रकार वीडियो को नहीं बना पाओगे। तो ये काइन मास्टर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक डाल के पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। डायरेक्ट यूट्यूब पे सेंड नहीं कर सकता, ये यूट्यूब के मतलब रूल के खिलाफ है। ओके सो अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो काइन मास्टर में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाने के बाद फिल कर देना। ओके सो मैंने फिल नहीं किया है, फिल कर देना है। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया से क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये वाला वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ लिखा होगा इमोजी वीडियो करके। अब उस लिंक पर क्लिक करके ये वाला वीडियो को पहले डाउनलोड कर लेना और उसको यहाँ पर एडिट कर लेना पहले। ओके सो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। अब इतना एडिट करने के बाद ये हमारा सॉन्ग के हिसाब से परफेक्ट है। इसमें कोई अगर सॉन्ग हो तो इसको म्यूट कर देना, वैसे तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। ओके सो अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है, कितना फोटो सिलेक्ट करना है तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा कितना फोटो सिलेक्ट करना, अपने हिसाब से आप देख लेना कि आप कितना फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। ओके लेकिन फोटो सेलेक्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, सेटिंग में जाना है, हाईलाइटिंग में जाना है, जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इसको घटा के 0.5 जरूर से कर लेना आप। ओके नहीं तो आपको मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उससे ऐसा कि यहाँ पे आप 0.5 पहले कर लो, फिर उसके बाद अपने फोटो को सिलेक्ट करो, ये अपने ऑटोमेटिक मतलब सब 0.5 सेकंड में बदल जाएगा। ओके अब हम अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो आपको क्या करना है, जितना मतलब लंबा वीडियो बनाना चाहते हो जैसे कि 31 सेकंड तक जितना भी फोटो आता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने फोटो गिना नहीं है कि मैंने कितना फोटो सेलेक्ट किया है। तो मैं किसी कोई सा भी मॉडल का फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी आपको बताना है तो मैं जल्दी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो जैसे कि मैंने 26-27 सेकंड तक सेलेक्ट कर लिया है। सो अब आपको क्या करना है, अब इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले इसमें जो है क्लिप ग्राफिक्स यूज करना है। तो क्लिप ग्राफिक्स हम जो यूज करेंगे, पहला है कॉल में डीजे, दूसरा है स्वीट लिस्ट, तीसरा है इन एनिमेशन, चौथा है ओवरऑल एनिमेशन 5। सो आपको जो कॉल में डीजे और स्वीट लिस्ट है वो बीट सीन्स ऐप में मिलेगा, और आपको बीट सीन्स ऐप से कोई भी मतलब क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप मेरे वाले वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप मतलब बीट सीन्स ऐप से कोई सा भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके कोई सा भी क्लिप ग्राफिक्स, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वाले वीडियो को देख सकते हो। और जो इन एनिमेशन है और ओवरऑल एनिमेशन 5, तो आप इसको बिल्कुल भी आसानी डाउनलोड कर सकते हो काइन मास्टर से। बस आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे एक बॉक्स आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन, सबसे ऊपर में एनिमेशन में आपको इन एनिमेशन भी मिल जाएगा और यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन 5 भी मिल जाएगा। ओके तो आपको ये दोनों डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो अब मैंने ये तो बता दिया कि कौन सा क्लिप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे यूज़ करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉल में डीजे जो मतलब इमोजी के बाद जो इमेज आता है उसमें आपको कॉल में डीजे पहला वाला इमेज में पहला वाला सेलेक्ट करना है, और दूसरा इमेज में कॉल में डीजे से जो है दूसरा वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब क्लिप ग्राफिक्स दो नंबर वाला। ओके इस प्रकार से, और जो तीसरा इमेज है उसमें तीसरा और चौथा इमेज है उसमें चौथा, इसी प्रकार से आपको पहले यहाँ पर अपनी जो कॉल में डीजे को सिलेक्ट कर लेना। ओके तो मैं इसमें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तीसरा और इसमें चौथा, तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो इधर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये चार नंबर वाला सेलेक्ट कर लिया है, मैं 5 नंबर और 6 नंबर नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार की बीट में ये वाला सॉन्ग मैच नहीं करता। ओके सो ये मैं आपको बता देता रहा हूँ। अब गाइस क्या करना है, आगे जो 4 इमेज रहेगा इसमें आप इन एनिमेशन से सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिप ग्राफिक्स और स्वीट लिस्ट भी क्लिप ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इन एनिमेशन यूज करूँगा। तो आपको क्या करना है, इन एनिमेशन जो 33 नंबर वाला है, आपको 4 इमेज में आगे 4 या 5 इमेज में आप इस प्रकार से 33 नंबर वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके तो जैसे कि मैं यहाँ पे 5 इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो पहले आपको 1, 2, 3, 4 करके कॉल मीडिया ऐड करना है इमेज में, फिर आपको इन एनिमेशन ऐड करना है। ओके सो इन एनिमेशन यहाँ पे 33 और इसमें भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 33 नंबर वाला इन एनिमेशन। तो जैसे आप 4-5 इमेज में इधर सेलेक्ट कर लोगे, फिर से आपको करना है कॉल मीडिया को रिपीट करना है। ओके सो पहले आपको फिर से आपको कॉल मीडिया सेलेक्ट करना है, जैसे कि 1, अगला इमेज में 2, ऐसे करके आपको फिर से कॉल मीडिया को रिपीट करना है। और जैसे आप 4 कॉल मीडिया सेलेक्ट कर लेते हो 4 इमेज में, तो आपको फिर से चेंज कर देना है। तो ये 3 और ये मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये 4 भी सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, अब मैं स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला सेलेक्ट कर लूँगा। ओके आगे 4 या 5 इमेज में आप देख लेना कितना इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, 5 नंबर वाला सेलेक्ट करना और कोई नहीं। तो 1 इधर मैं दूसरा में सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सो आपको सभी में सेलेक्ट करना है। तो ओके, दूसरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइव ने बोला इसमें भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं पांच इमेज में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप पांच भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, क्योंकि कॉल मीडिया से हम चार ही सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इसमें पांच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इतना करने के बाद आपका इसका करना है, फिर से अगर ये फिर एड कर लेते हो, फिर से आपको कॉल मीडिया को रिपीट कर देना है। ओके, सो फिर से आपको कॉल मीडिया को रिपीट करना है, कि मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, एक इधर दो, और अगले में कॉल मीडिया से तीन नंबर वाला, और फिर से कॉल मीडिया से चार नंबर वाला, ऐसे आपको रिपीट कर देना है। फिर से अब गाइस क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है ओवरऑल एनिमेशन, जो अभी आगे जो इमेज आएगा उसमें ओवरऑल एनिमेशन, मतलब ओवरऑल एनिमेशन फाइव से आपको सेलेक्ट करना है, जो है 10 नंबर वाला इफेक्ट, चार या पांच इमेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल एनिमेशन फाइव से 10 नंबर वाला। ओके, तो ये 10 नंबर वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे चार या पाँच इमेज में आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सभी में सेलेक्ट कर लेना ये इफेक्ट को। ओके, ओवरऑल एनिमेशन फाइव को जो 10 नंबर वाला है, चार या पाँच इमेज आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ जो आपको करना है, अभी रुक जाओ एक मिनट। ओके, इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सो आपको क्या करना है, जो 20.5 से जो इमेज है इसमें आपको कोई सा एक क्लिप ग्राफिक्स एड नहीं करना है, 20.5 और 21.8 सेकंड तक जो इमेज है इसको, यहाँ तक आपको कोई भी क्लिप ग्राफिक्स यूज नहीं करना है। फिर आगे आपको कॉल मीडिया से यहाँ पे स्टार्ट कर देना। ओके, सो कॉल मीडिया से वन नंबर वाला सेलेक्ट करना है, और फिर आगे कॉल मीडिया से टू नंबर वाला सेलेक्ट करना है। ओके, सो इस प्रकार से फिर कॉल मीडिया से थ्री नंबर वाला सेलेक्ट करना है, कॉल मीडिया से फिर आपको फोर नंबर वाला सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आपको चार इमेज में सेलेक्ट कर लेना है कॉल मीडिया को, और उसके बाद आगे आपको इधर से सेलेक्ट करना है। फिर से आप इन एनिमेशन या स्वीट लिस्ट को भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैं इन एनिमेशन को कर रहा हूँ, तो मैं इन एनिमेशन से 33 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सब में। ओके, इधर से इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से अगर आप इधर इमेज आपका है तो उसमें आप फिर से कॉल मीडिया को रिपीट कर सकते हो, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर आप इन एनिमेशन या स्वीट लिस्ट इस प्रकार से लगा सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। अब गाइस आपको शुरू में आ जाना है, और लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें सॉन्ग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे लिखा होगा सॉन्ग, वहाँ पे आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, तो इसको डाउनलोड कर पाओगे आप, और ये वाला वीडियो को यहाँ पे एड करना है। तो ये वीडियो में आएगा, सॉन्ग में नहीं आएगा, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब इसको एड करने के बाद फिर इसका जो स्ट्रेक ऑडियो निकाल के इसको डिलीट कर देना है वीडियो को। ओके, तो ऑडियो हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो हमने जहाँ पे यहाँ पे जो हमने छोड़ा था इफेक्ट, मतलब जहाँ पे हमने इमेज पे इफेक्ट नहीं लगाया था, यहाँ पे है 20 पॉइंट कितना सेकंड पे आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ये बीच पे आपको एक इमेज को ट्रिम करना है, और इस इमेज का लेंथ आपको 21.8 सेकंड तक ले जाना है, ये वाला इमेज का लेंथ। ओके, इस प्रकार से इतना रख लेना है, और सही से, और बीच में फिर से सही से एडजस्ट कर देना, बस इतना चेंज करने और कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। सो फिर आपको ये वाला जो है लाइट इफेक्ट वीडियो को एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको एड करने के बाद इसको रोटेट करना है, पहले रोटेट करने के बाद साइज को इस प्रकार से बढ़ाना है, और इसको ब्लेंडिंग में जाना है, और इसका आईडी म्यूट कर देना, ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना। ओके, अब गाइस मैं वीडियो को थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ, वरना आपको होगी वीडियो आपने कैसा बनाया, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ शुरू से, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस आई होप कि जैसा वीडियो मैंने प्रीव्यू में दिखाया था वैसा ही वीडियो बनाओ। सो गाइस फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को सपोर्ट कर देना है। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।